प्रातःवंदन बच्चों, आज हम कक्षा नौवीं और कक्षा दसवीं है ना, इसके जो व्याकरण विधि है व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि हमने आपको पहले वर्ण विचार जो पढ़ाए महेश्वर सूत्र समझाए, उसी के आगे के भाग को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो मैंने इसके पहले आपको समझाया कि मैंने आपको महेश्वर सूत्र समझाए थे, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने आपको स्वर और व्यंजन ये भी आपको समझाए थे, आज उसी के आगे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले दिया है प्रयत्न। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, पहला अभ्यान अभ्यंतर यानी अंदर का, और दूसरा है वाह यानी बाहर का। तो कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के। कौन कौन से? अभ्यंतर और वाह। अब ये है कि अभ्यंतर प्रयत्न करने लाता है, तो अभ्यंतर प्रयत्न चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? पांच प्रकार का। अभ्यंतर जो प्रयत्न है वो कितने प्रकार का होता है? पांच प्रकार का। कौन कौन सा होता है? सबसे पहला होता है स्पृष्ट, दूसरा ईषद, तीसरा विवृत और चौथा ईषद और संवृत। पांच प्रकार के अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पांच प्रकार के। तो पांच प्रकार के जो होते हैं, तो इसमें सबसे पहला आता है स्पृष्ट। कौन सा आता है? स्पृष्ट। इसमें उच्चारण करते समय जिभ्या वर्णों से संबंधित उच्चारण स्थानों का पूर्ण रूप से स्पर्श करती। जिभ्या माने होता है जीव, है ना, जैसे प से मा तक सभी व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें किस चीज का होता है उपयोग? जिभ्या का, ठीक है ना। फिर है दूसरा ईषद स्पष्ट। इसमें जिभ्या उच्चारण स्थानों को थोड़ा सा ही स्पर्श करती है। जो जीव हमारे जब हम जो उच्चारण करते हैं तो उसमें थोड़ा सा ही उसको स्पर्श करती है, जैसे या, ठीक है ना, वा, र, ल, इसके अंतर्गत आते। किसके अंतर्गत आएंगे? ईषद स्पृष्ट के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हम ये पढ़ रहे हैं प्रयत्न, जो कि दो प्रकार का होता है, अभ्यंतर और दूसरा होता है वाह। अभ्यंतर प्रयत्न पांच प्रकार का होता है, पहला है स्पृष्ट, दूसरा है ईषद, अब तीसरा हम पढ़ेंगे वह है विवृत। इसमें उच्चारण के समय मुंह, हमारा मुख है वह क्या होता है? खुला रहता है, सभी स्वर इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें उच्चारण के समय हमारा जो मुख है वो क्या होता है? खुला रहता है, ठीक है ना। तो ये इसको क्या कहते हैं? विव्रत। फिर आता है ईषद विव्रत। अब इसमें क्या होता है? इसमें उच्चारण काल में मुख थोड़ा खुला रहता है, ज्यादा नहीं खुला रहता, थोड़ा खुला रहता है, जैसे शा, शा और सा, ह, ठीक है ना, इसके अंतर्गत आते हैं। सा, शा, सा,
अच्छा ये हस्व आ फिर च छ ज झ ज्ञ र रु नु ए पा ये मतलब जो हस्व आ प्रयोग की अवस्था में ये सब चीजें तो जैसे इसका शुरु दिए हैं यहाँ से वर्ण है वर्ण यहाँ से है फिर यहाँ अंतस्त स्वर उष्म आ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ग भ म ठीक है ना ऐसे यहाँ दिया है या र ल व आ ई उ रु रु ए ए ए ओ ए औ टा टा स ह इस प्रकार से ये अभ्यंतर प्रश्न पूर्वक सारणी अब आता है दूसरा इसमें हम जो पढ़ेंगे वो है बा प्रश्न बा है प्रश्न के 11 भेद होते हैं कितने भेद होते हैं 11 कौन कौन सा पहला है विवार संवार श्वास नाद घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण उदार अंतार और स्वरित तो ये क्या है बाह प्रश्न अभी हम जो पढ़ रहे थे जो आपको हमने पढ़ाया था कौन से अभ्यंतर प्रश्न बोधक सारणी चलिए आगे पढ़ते हैं आप देखिए बाह प्रश्न बोधक जो दी है सारणी विवार श्वास अघोष फिर संवार संवार नाद घोष ये अल्पप्राण महाप्राण उदार अनुदार स्वरित यानी ये स्वर वर्ण ठीक है ना तो अब इसमें देखिए स्वर प्रत्याहार अर्थात प्रत्येक पद के प्रथम द्वितीय वर्ण एवं कौन कौन से श ट्रा और सा ठीक फिर है हस्व प्रत्याहार अर्थात प्रत्येक वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण अंतस्थ एवं ह ये आएगा फिर प्रत्येक वर्ण प्रत्येक वर्ग के प्रथम तृतीय पंचम वर्ण एवं अंतस्थ ठीक है फिर महाप्राण में प्रत्येक वर्ग के द्वितीय चतुर्वर्ण एवं ऊष्म फिर उदार अनुदार स्वर वर्ण ठीक है अघोष अब देखिए विवार श्वास अघोष यहाँ हमने कहा तो क ख श फिर दिया है च छ प है ना ट ठ स त थ तो अब यहाँ कैसे अपन पढ़ इसको पूरा लेना है जैसे क ख ग का खा फिर है गा खा गा या ठीक है ये अलग अलग है वो आपको सबको पढ़ना चा छा को ठीक फिर स्वार संवार नाद और घोष में क्या क्या है ज झ घिया व और विवार श्वास और घोष में क्या है चा छा को है ना इसी प्रकार ऊपर का खा शा कंफ्यूज आप बिल्कुल नहीं होना अल्प प्राण दिया जैसे क ख ग का ग ग या फिर महाप्राण ख ग श और उदात्त अनुदात आ ई उ ठीक है ना फिर च छ प दिया है ज झ ज व च ज ज व छ छ झ श और रु और नु ये दिए दाखिल ऊपर आप देखते जाना उसी के हिसाब से आपको पढ़ना फिर है क ठ स ढ ढ ण र ट ढ ण ग फिर ठ ढ स ए ओ ए फिर इसके बाद फिर देखो विवार श्वास अघोष का था फिर यहाँ पर आएगा संवार आएगा द ध न ल अल्प प्राण में क्या आएगा ता द न ल फिर महाप्राण में था ध ह और उदात्त अनुदात स्वर में आएगा औ इसी प्रकार फिर विवार श्वास अघोष में प फ ठीक समान नाद और घोष व ब भ म ह अल्प प्राण प व म फिर महाप्राण था भा इस प्रकार से ये बाह प्रश्न बोधक आपकी ये जो सारणी है ये आपको ध्यान रखने और ये जो प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण तो ये जो महेश्वर सूत्र आपको जो उसमें बताए गए हैं उसके अंतर्गत जो आते हैं ना वर्ण कि पंचम वर्ण कौन सा है प्रथम वर्ण कौन सा है वो उसके अंतर्गत इसमें आएंगे और इसके आप देखिए अभ्यास कार्यम आपको इसमें दिया हुआ अधोलिखित प्रत्याहारेषु परिगणितान वर्णान लिखत यानी आपको ये जो दिया है इसको आपको वर्णन करना है लिखना है कि इसमें क्या आएगा जैसे इ तो आप इ क्या है इ प्रत्याहार के अंदर क्या आएगा देखिए इसका आएगा ये उत्तर दिया है इसमें आएगा ई ऊ रू लू ये यहाँ पर आएगा तो जाएगा ई से वृद्धि है ना इस प्रकार फिर इसमें दिया है जश जस में क्या आएगा ज व ग ड और द ये इसमें यहाँ पर आएगा फिर तीसरा है एच एच में क्या आएगा ए और औ ठीक
लेटर है आ, आ ई उ रु ए ओ ए औ हा या वा यानी, ठीक है ना। हश में क्या आएगा, हश का देख लीजिए, हा हश का दिया हा या व र ल ज म न न ध भ घ, ये पूरे शब्द जो दिए हैं ड ये पूरे स्वरंग, ठीक है ना। ये हर दिया है, ठीक, ये जस दिया है, ये एक दिया है, एच दिया है, अब क्या है, और ये क्या दिया है, आठ। अब आएगा झस, तो झस का देखिए झा भा घ ढा धा जा व ग ड और द। तो इस प्रकार से आपको इनको इसमें लिखना है, यानी जो प्रत्याहारी शु अभिव्यंजन, ठीक है। इसके बाद है आधुनिक नाम वर्णानाम उच्चारण स्थानीकरण, इनके जो उच्चारण स्थान है वो आपको लिखना, तावर्ग टावर्ग पावर्ग, है ना, चावर्ग, ये इस तरीके से जो दिए हैं। तो इसमें क्या आएगा, तावर का गर्भ तो कण, क्या आएगा इसमें कण, क्या आएगा मूर्धा, जी पलटती है ऊपर की तरफ, पावर पा हा बा भा मा, क्या आएगा पोस्ट, ई च य श, ये कहां से, ये उच्चारण स्थान है, ये है ताल, ठीक है। तो इस प्रकार से अधोलिखित वर्णनाम उच्चारण, इनके आपको उच्चारण स्थान लिखना है, तो ये रिक्त स्थान में पूछे भी जा सकते हैं। तो ये आपको हमने बताया कावर्ग टावर पावर्ग और ताल, यानी जो इनके उच्चारण स्थान शब्दों के उच्चारण स्थान है, ठीक है। इसके बाद है उदाहरण मनुसृत वर्णान पृथककृत लिखत गज, अब इसमें देखिए क्या है, गज, तो गा जो है इसमें क्या मिला है आ, जा में क्या मिला है आ, बराबर क्या बन जाएगा ये गज, तो ये आधा है, ये आधा, लेकिन जब इसमें आ मिलेगा तो शब्द ये पूरा होगा, तो कैसे आ जाएगा गधन आ ग गधन आ जाधन आ ह, ठीक है, गज, ठीक है। इसी प्रकार जैसे ये दिया है कमलम, तो कमलम में क्या आएगा का धन आ मा धन आ ला धन आ और धन मा, तो ये क्या बन गया कमलम, तो ये पहले का उत्तर हो गया आपका। दूसरा दिया है भोजनम, क्या दिया है भोजनम, तो भोजनम में क्या आएगा भा धन ओ धन जा धन आ धन न धन आ धन मा, फिर ये पूरा मिलके क्या बना भोजनम बना, ठीक है। फिर तीसरा दिया है गच्छति, क्या दिया है यहाँ पर गच्छति, तो गच्छति में क्या आएगा गा धन आ चा धन छा धन आ ता धन ई, क्योंकि गच्छति छोटी की मात्रा भी है, ठीक है ना, तो गा में आ च धन छा धन आ छा उच्चारण हो रहा ना आ का, धन ई, क्या बन गया गच्छति। फिर इसके बाद है अनुपतति, आ धन न धन उ धन पा धन आ धन ता धन आ धन ता धन ई, अब देखिए इसमें सब में वो मिला हुआ है, जैसे अन है ना, तो अन तो ना, फिर ना धन उ है ना, आ धन ना धन उ, ये फिर ये फिर ये, और इसके बाद तावरी तावरा आवरा, ठीक है। तो ये क्या बन गया अनुपतति, आपने देखे ना नीचे उनकी मात्रा लगी ना, तो यहाँ पर वो आएगा अन न है, अब आएगा इसके बाद रावण, ठीक है ना। अब इसमें क्या आएगा राधना धनवा धना धन अ धन आ अब सब, तो ये क्या बन गया रावण। इस प्रकार से आपको ये वर्णन को पृथक पृथक करके लिखना है। फिर इसके बाद उदाहरण मनुस्मृत वर्णानाम संयोजन, अब हमने इसके पहले प्रथा किया था, इसका संयोजन करना है, हमको मिलाना है। तो ये दिया जैसे आ धन हा धन आ धन मा बराबर अहम, ये शब्द बना, अब हमको ये शब्द बनाना, पाधर धन सा धन ता धन आ धन का, तो यहाँ पर क्या बन गया उत्तर पुस्तकानि, ठीक है। दूसरा पाधना धन्ठा धनी धनशा धनया आ धन मा धन की, अब यहाँ पर देखिए सब में मिला है ना शब्द में।
बड़ी हैं, जितने अलंकार भाव हैं, लेकिन जब ये फूल मिलेंगे तो ये बन जाएगा पक्षियामी, ठीक है ना। तो देखिए ठा में छोटी की मात्रा है तो ई आएगा, पा अ पा में आ मिलेगा, ठीक है, फिर श पठिश आधा श है जिसमें या है, फिर तो आधा श या मिलेगा, फिर आ या में आपकी मात्रा है तो पठिश्यामी, मा में छोटी की मात्रा, इस प्रकार से आपको ये पूरा करना है। फिर इसके बाद है ग्रहम, तो ग धन रो धन हा धन आ और मा, ये क्या बन गया ग्रहम। फिर है शाधन ओ धन भू धन आ धन ना धन आ धन मा, ये आपको मैंने बताया कि इसमें क्या क्या कैसे मिलेगा, तो ये क्या बन गया शोभना। आप समझ जाए क्योंकि श तो ओ की मात्रा आई क्योंकि शो है, फिर भा में आ मिला है, फिर ना में आ मिला है और ये मा, तो क्या बन गया शोभना। अब इसके बाद है भा धन आ धन वा धन ई, ये देखिए आप नहीं का मिलाते चलिए, धन ता धन आ फिर वा धन या धन आ और मा, ये क्या बन गया भवितव्यम, क्या बन गया भवितव्यम, मा में छोटी की मात्रा इसलिए यहाँ पर ई आया है, और तव्यम ता अ अथवा फिर या मा और मा, ठीक है ना, ये बन गया भवितव्यम। अब है संयुक्त वर्णमान पृथक मतलब पूर्य पृथक कृत्य पूर्य, अब इसको पृथक करके फिर इसको पूरा मतलब कैसे करना है, देखिए जैसे यहाँ पे दिया है छा, अब जो छा जो शब्द है इन बीच में इन शब्दों में क्या क्या आएगा तो जिससे ये छा शब्द बना छा, ठीक है ना, तो क्या आएगा आधा का तो दिया है, अब दो शब्द और कौन से आएंगे, तो ये आएगा छा और आ, ठीक, तो ये आपका यहाँ पर उत्तर दिया पहले का। फिर दूसरा का, अब का में देखिए का आया फिर रा बीच का दिए तो आगे पीछे के कौन से शब्द आएंगे, तो इसमें आ जाएगा आपका ता और आ, ठीक है। इसके बाद है तीसरा शा, अब ये शा में कौन सा दिया है, तो देखिए सबसे लास्ट का आ तो दिया है, तो शुरू में क्या आएगा शा और र, चक्कर वाला शा आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद है ज्ञा, अब ज्ञान में दो अक्षर तो दिए, तीसरा कौन सा आएगा जिससे ये ज्ञा शब्द बनेगा, तो इसमें आ जाएगा ज्ञा दिया है आ शब्द आपको भरना रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये दिया है ए, ए शब्द कहां से मिला, ए ए आ धन आ दिया धन ई है ना, तो ये हो जाएगा। इस प्रकार दिया है ओ, ठीक है, ओ में आ तो है ही ओ है ना, तो क्या आ धन ऊ, तो यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा आ शब्द आएगा। इस प्रकार आपका यहाँ पर पूरा होता है बेटा वर्ण विचार वाला जो व्याकरण विधि का पाठ है, हमने आपको आज प्रयत्न पढ़ाया, प्रयत्न के प्रकार बताए और जो आभ्यंतर प्रयत्न है उसके मैंने आपको पांच प्रकारों को समझाया, बाह्य अभ्यंतर को समझाया, उनकी सारणी बताया आपकी पुस्तक में बुक में सब दिए हुए हैं बेटा, और जो मैंने आपको प्रश्नोत्तर समझाया आपने जो भी रजिस्टर्ड कॉपी बनाई होगी उसमें आप लिखिए और उसको बहुत अच्छे से पढ़ते जाए, इनके उदाहरणों को बहुत अच्छे से आप पढ़ते जाइए। धन्यवाद।